राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो बजैया पायल की झनकार है रही पायल की झनकार पायल की झनकार है रही पायल की झनकार है तो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार है तो रचो वृंदावन है रही पायल की जनकार। नरसी सखी आ जाओ मेरे साथ, तुम अब सचमुच ब्रज की गोपी लग रही हो। प्रभु आप भी इस सखी रूप में बड़ी अलौकिक लग रही हैं। मैं तुम्हें जहां ले जा रहा हूं वहां दिव्य देह और इस गोपी रूप के बिना प्रवेश नहीं मिलता। न जाने कितने देवी देवता वहाँ जाने के लिए लालायित रहते हैं। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो, सब आपकी कृपा से संभव हुआ है। ये देखो नरसी, ये है गोलोक वृंदावन, मेरे आराध्य की नित्य स्थली। आज शरद पूर्णिमा का महारास हो रहा है। ये सर्वमय रास मंडल रंग बिरंगे हीरों से जड़ित है। ये दिव्य स्थली नित्य नई श्रृंगारों से सुसज्जित रहती है। यहाँ सदा दिव्य प्रकाश फैला रहता है। इस प्रकाश से स्वयं सूर्य और चंद्र को ज्योति प्राप्त होती है। अंग अंग में कहने बाजे चुड़ियन की झनकार अंग अंग में कहने वो देखो वो हैं ब्रज गोपियाँ। इन गोपियों के मध्य में प्रिया और प्रीतम दोनों रास लीला कर रहे हैं। तान और गान की ध्वनि छाई हुई है। वो कौन है जिनका हस्तकमल वंशी से सुशोभित है, जिनके वस्त्र पीले रंग के हैं, जिनके मुकुट पे ये मोर के पंख हैं? वही तो है मेरे इष्ट, मेरे आराध्य। वो देखो उनका चंद्रमा के समान मुख, कमल के समान नेत्र, आभा नवीन मेघ के समान, ब्रज गोपियों के नेत्र कमलों से पूजित शरीर, मेरे इष्ट। इनसे श्रेष्ठ और कोई तत्व को मैं नहीं जानता। इन्हीं श्री गोविंद भगवान का मैं भजन करता हूँ, यही मुझे प्राणों से प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण? श्री कृष्ण? हाँ नरसी, श्री कृष्ण परम परमेश्वर, सब कारणों के कारण। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। आओ नरसी, अब हम लोग महारास में प्रवेश करते हैं। अति सुंदर, आज तो हमारे रास की शोभा बढ़ गई। स्वयं गोपेश्वर महादेव पधारे हैं। प्रभु आप और इन ब्रज गोपियों के इस दिव्य रास में प्रवेश मिलना मेरा परम सौभाग्य है। ये रासलीला का दर्शन
अत्यंत दुर्लभ है। महादेव, आप हमारे अत्यधिक प्रिय हैं। आपसे अधिक हमें प्रेम करने वाला और कोई नहीं है इस जगत में। आपका इस महाराज में स्वागत है, पर आज आपके साथ एक नई सखी को देख रहा हूँ। ये कौन है? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। ये नरसी अली है। पूर्व जन्म में ये राजा मुचकुंद थे। ये आपकी विशेष कृपा के पात्र हैं। इसने 7 दिन तक कठोर तप करके मुझे प्रसन्न किया और इनको वरदान में अपनी प्रिय वस्तु देने का मैंने वचन दिया है। इसलिए मैं आज इन वैष्णव भक्त को आपकी चरण कमलों में समर्पित करने के लाया हूँ। आप भक्त वत्सल हैं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं। अतः आशा है आप मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। उठो नरसी सखी, मेरे और महेश्वर के स्वरूप में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। मैं शंकर को अपना आराध्य देव समझता हूँ और शंकर मुझको। इस प्रकार हम दोनों के अभिन्न होने के कारण तुमने जो महादेव की पूजा की है वो वास्तव में मेरी ही पूजा है। प्रभु, मैं भला किस योग्य हूँ? ये तो भगवान सदाशिव की कृपा है जो मुझे आपका दर्शन मिला। आप मेरे स्वामी हैं, इस दासी को स्वीकार करें। जो मनुष्य मुझे अपना स्वामी समझता है मैं उसका दास बन जाता हूँ। तुम्हारी निष्ठा भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। गोपेश्वर सखी आइए, नरसी अली तुम भी आओ। शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि के महारास में हमारे साथ सम्मिलित हो जाओ। नरसी, नरसी वो देखो, सारी ब्रज गोपियों से घिरी ब्रजनंदन श्री कृष्ण के साथ नृत्य करती हुई वो हैं प्रभु की प्रियतमा, उनकी आत्मा, उनके आह्लादिनी शक्ति श्री राधा। वो देखो नृत्य करते हुए प्रिया प्रीतम के प्रत्येक अंग में शोभा की जो तरंगें उठ रही हैं उसी से इस समूचे जगत में प्रेम रस का संचार होता है। परंतु मुझे कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा प्रभु। दिखेगा, अवश्य दिखेगा नरसी अली, इसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। ये लो दिव्य प्रकाश, ये सेवा महाराज में मैं करता हूँ। आज से ये सेवा तुमको देता हूँ, इससे तुम्हें सब स्पष्ट दिखाई देगा। अरे नरसी सखी, ये क्या, तुम्हारा हाथ तो इसके कारण जलने लगा है। पता नहीं लीला पुरुषोत्तम, आपकी यह लीला इतनी मधुर है कि मुझे अपनी कोई सुधी नहीं रही।
लाओ मैं तुम्हारी पीड़ा को दूर कर देता हूँ। श्याम सुंदर, आज हमारे रास में ये नई रंगीली सखी कौन है जिसकी इतनी सेवा हो रही है? ओह राधे, आओ आओ, इन्हें तो आप जानती हैं। यह हमारी प्रिय गोपेश्वर सखी हैं और यह नरसी अली। आज ही हमने इन्हें अपनी नित्य लीला में प्रवेश कराया है। नरसी अली हमारी अति प्रिय सखी है। आज से सब भक्त नरसी को मेरे समान जानेंगे। मैं धन्य हो गई जो मुझे गोपेश्वर सखी जी की कृपा से साक्षात प्रिया प्रीतम के रास दर्शन का लाभ मिला। नरसी सखी, बोलो तुम्हें और क्या चाहिए? स्वामी, मुझे तो आपके चिंतामणि के समान चरण कमलों की प्राप्ति हो चुकी है। मुझे भला अब क्या चाहिए? नाथ, मुझे भ्रमित न कीजिए, मैं बस यही आपकी चरण सेवा में रहना चाहती हूं। परंतु यह मत भूलो कि अभी भी पृथ्वी पर तुम एक गृहस्थ का जीवन जी रही हो और जगत के प्रत्येक गृहस्थ के ऊपर तीन प्रकार के ऋण होते हैं। पहला ऋण है स्त्री पुत्र आदि का, दूसरा पितरों और तीसरा देवों का ऋण। मनुष्य गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करके जब तक उन ऋणों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक उसे बार बार 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है और वो मेरी नित्य लीला में प्रवेश नहीं कर पाता। परंतु प्रभु, आपके चरणों की धूलि प्राप्त होने पर क्या कोई ऋण शेष रहता है? ऐसी आज्ञा देकर मुझे पुनः संसार में न फंसाइए। भक्तराज, सत्य है, श्री कृष्ण की शरण प्राप्त होने पर जीव सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। तुम भी अपने ऊपर कोई ऋण न समझो, पर लोक संग्रह के लिए तो ऋणों से मुक्त होना ही चाहिए। गोपेश्वर सखी ठीक कह रही हैं। तुम जूनागढ़ जाओ, सब कार्य मेरी पूजा समझकर करो। ये लो ललिता, ये लो, मैं अपनी प्रतिमा तुम्हें देता हूं, इसकी पूजा अर्चना करो, इससे तुम्हारी भक्ति और दृढ़ हो जाएगी। हम इनकी प्रेमा भक्ति देखकर बड़े प्रसन्न हुए। ललिता, इन्हें हमारी प्रसादी माला देना। लाओ राधा, और हम सखियों की ओर से इस नई सखी को मैं अपनी करताल तथा तुलसी की माला देती हूँ और तिलक से विभूषित करती हूँ। और मैं नरसी सखी को अपना पीतांबर तथा यह मोर मुकुट भेंट करता हूँ। नरसी अली, ललिता सखी ने जो तुम्हें करताल दिया है उसके द्वारा मेरे प्रिय केदार राग से जब तुम मुझे पुकारोगी मैं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा, यह मेरा वचन है। हे प्रियतम, मैं संसार से त्रसित होकर आपके चरणों में आई हूं, अब आपके चरणों से विमुख होकर कैसे ही ऋण चुकाऊंगी? निश्चिंत रहो, मेरे निष्काम प्रेमी जो अनन्य भाव से मुझे प्रेम करते हैं उनके योग क्षेम की बीड़ा मैं उठाता हूं। वह ग्रस्त आश्रम में होने पर भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते, अतः तुम पृथ्वी पर जूनागढ़ जाकर अनन्य भाव से मेरी भक्ति करो। गोपेश्वर सखी, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आप मुझे मेरे प्रेमी भक्तों से सदैव जोड़े रखते हैं। ये भी आपकी कृपा से ही संभव है। नरसी सखी, चलो मैं तुम्हें जूनागढ़ पहुंचा दूं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। Yeah.